सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग्स। सामने खड़ी हुई है के टी एम की ड्यूक 250। ये देखो भाई, 250 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये वो ड्यूक 250 नहीं रही जो इस तरीके की शेप के साथ आया करती थी। ये भाई ओल्ड शेप है ड्यूक 250 की, और इसके ऊपर भाई डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, वो भी आपको वीडियो में बता दूंगा आगे। और ये जो सामने खड़ी हुई है, ये है 2024 या फिर 2025 कह सकते हो आप इसे, 2025 के टी एम की ड्यूक 250 न्यू शेप, जिसके अंदर एक बड़ा मोटा अपडेट है DRLs, और उससे भी बड़ा मोटा अपडेट है ये स्क्रीन। डिटेल में बात करेंगे कि इस बाइक के अंदर क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे KTM वालों ने न्यू इंट्रोड्यूस कराई हैं, तो कैसी कुछ रहने वाली है बाइक, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर की देखोगे तो ऐसी कुछ भाई आपको की देखने के लिए मिलने वाली है, वेव की रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक चीज़ देखोगे तो ये भाई अपनी ड्यूक 250 होगी सामने की साइड में जो खड़ी है न्यू शेप वाली, और अगर इधर की साइड देखोगे तो 390 है भाई। अब अगर आप इन दोनों बाइकों को सामने से देखोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी 250 है कौन सी 390 है। खैर, आपको आज की इस वीडियो के अंदर एक डिटेल रिव्यू दिखाऊंगा ड्यूक 250 के अंदर क्या कुछ चीज़ें नहीं आई और बाकी सारी चीज़ें कैसी क्या कुछ रहने वाली है। एंड हाँ, अगर आप में से किसी भाई को ये है कि हाँ बाइक लेनी है तो शोरूम की डिटेल मिल जाएंगे, और ड्यूक 250 में और ड्यूक 390 में भी एक कंपैरिजन दिखा दूंगा कि जो 80-90-85 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे तो इस बाइक से आपको ज़्यादा इसके अंदर क्या मिलेगा और कौन सी लेनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट में इसके अंदर भाई आप लोगों को देखो DRLs लगा के दे दिए हैं। अब भाई ड्यूक 250 ड्यूक 390 से बिल्कुल कम नहीं रही है, और पर्सनली बताऊँ बहुत सुंदर लगती है देखने में। एंड उसी के अलावा इसके अंदर जो एक ब्लैक कलर इंट्रोड्यूस करवाया भाई KTM ने, क्या लग रही है भाई, एकदम बेहतरीन लग रही है। तो वो ब्लैक वाला कलर भी आने वाला है आपको एक दो दिन के अंदर, उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए, जिसमें ऑल ब्लैक है। सिर्फ 250 की जो स्टिकरिंग है वो ऑरेंज कलर के साथ है। धीरे धीरे भाई KTM भी खुद अपनी बाइक के ऊपर से ना ऑरेंज कलर हटा के ना ब्लैक के अंदर दे रहा है, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। उसके अलावा जो मेजर बड़ा अपग्रेड है वो है भाई ये इसकी TFT स्क्रीन। जब ये चीज़ भाई ड्यूक 200 के अंदर आई थी, तब से भाई हर कोई ये कहने लगा था कि भाई इन्होंने 200 के अंदर तो दे दी, और बल्कि 250 के अंदर देनी चाहिए, उसके अंदर तो इन्होंने दी नहीं है। तो भाई फाइनली अब आपको ड्यूक 250 के अंदर भी ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, जो चीज़ सबसे पहले आपने 390 में देखी थी, ये वाली TFT स्क्रीन। ऑन करने पर भाई कुछ ऐसी एनिमेशन आएगी, रेड टू रेस लिखा आएगा इस तरीके से, इस सीक्वेंस में आपकी जो स्क्रीन है वो ऑन होगी, ठीक है जी। साइड स्टैंड की वार्निंग आ रही है, हटाओ इसे। क्या कुछ इसके अंदर फीचर आते हैं वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ, और इसके अंदर 2-3 फीचर न्यू भी इंट्रोड्यूस कराए हैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखो मोटरसाइकिल में आओगे तो इसके अंदर नया फीचर राइडिंग मोड्स के अंदर देखोगे तो स्ट्रीट और ट्रैक। अब इसमें दो राइडिंग मोड डाल दें, पहले ड्यूक 250 के अंदर किसी भी तरीके का कोई राइडिंग मोड नहीं आया करता है, ठीक है। बैक करेंगे नीचे ABS में आओगे तो इसके अंदर सुपर मोटो और रोड मोड, ये जो है ये पहले से आया करता, तो वो चीज़ भी रहेगी। नीचे की तरफ चलते हैं तो नीचे की साइड में आपको बाइक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस वगैरह, वो सारी चीज़ें। उससे नीचे आओगे तो भाई आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी बाइक की सारी की, मतलब ट्रिप में क्या डिटेल्स आ रही हैं वो सारी चीज़ें, ट्रिप 1 ट्रिप 2 दोनों आप डेडिकेटेड अलग अलग देख सकते हो। उससे नीचे अगर आप ये दो ऑप्शन देखोगे जो भी विजिबल नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद ये दोनों विजिबल रहेंगे। इसके अंदर अब आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी, एंड साथ के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। फेवरेट के अंदर आप लोगों को अपनी बाहर मेन स्क्रीन पे जो 4 आइटम है इनमें से क्या लगानी है, फेवरेट आपकी क्या है, आप वो लगा सकते हो, ठीक है, ये उसका ऑप्शन रहने वाला है। नीचे क्विक सिलेक्टर में आओगे तो ये जो ऊपर के दो बटन्स हैं इनसे आप लोगों को क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है उसका ऑप्शन आपके हाथ में यहाँ से रहने वाला है। कनेक्टिविटी के अंदर आओगे तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, साथ के साथ अपना जो हेडसेट है वो भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड मतलब हेडसेट इन द सेंस आप लोग अपना इंटरकॉम वगैरह जो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो, वाला ऑप्शन रहता है। क्विक शिफ्टर प्लस के अंदर आओगे तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर क्विक शिफ्टर ऑन और ऑफ, इनेबल डिसेबल दोनों कर सकते हो। 200 के अंदर ये वाला फीचर नहीं था TFT के अंदर, क्योंकि ड्यूक 200 के अंदर ये फीचर नहीं आता है, ये आपको 250 में और इसमें 390 दोनों के अंदर मिल जाता है। तो क्विक शिफ्टर आप लोग ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, और पर्सनली अगर मैं अपने एक एक्सपीरियंस बताऊं क्विक शिफ्टर का, तो इस बाइक का क्विक शिफ्टर ना मुझे 390 से भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। जब मैंने इस बाइक की राइड रिव्यू करी थी तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई इसका क्विक शिफ्टर क्या चलता है, बहुत स्मूथ क्विक शिफ्टर है इसका। नीचे की तरफ अगर आओगे तो भाई आपकी शिफ्ट लाइट है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि शिफ्ट लाइट में जब आप बाइक स्टार्ट करोगे रेव करोगे तो कितने 1000 RPM के बाद आपका जो मीटर है वो रेड रेड हो जाए, जो कि एक अलर्ट की तरह काम करता है। क्लॉक एंड डेट हो गए, यूनिट्स हो गई, नीचे की तरफ लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फीचर्स, और यहाँ से आप बैक आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी, नई TFT स्क्रीन डाल दी है। और इधर की तरफ की अगर आप ये असेंबली देखोगे तो ये आपको ड्यूक 250 के अंदर पहले भी ऐसी मिला करती थी, और इसको तो मतलब कुछ भी चेंज नहीं करा, बस इसके अंदर जो स्क्रीन है ये चेंज कर दी, और इसके अंदर जो मीटर में फीचर्स हैं वो थोड़े से ऐड ऑन कर दिए हैं। बट उसके अलावा अब एक मुद्दे की बात निकल कर सामने आती है कि चलो भाई ठीक है KTM ने काम कर दिया, अब आपको इस काम को होने के बाद ओवरऑल ड्यूक 250 2025 वेरिएंट के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे कितने देने अगर आप इस बाइक को ख़रीदने का प्लान करते हो। तो सबसे पहली चीज़, इसकी जो अभी ऑन रोड प्राइस है दिल्ली के अंदर, अगर आप लोग इस बाइक को परचेज़ करने जाओगे ड्यूक 250 को, तो लगभग आपकी कॉस्ट करती है 2,76,000 या फिर 2,77,000 रुपये के आसपास, मतलब 2,77,000 रुपीज़ ऑन रोड आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोगों को ये वाला मीटर नहीं मिलता है, कुछ इस टाइप का मीटर देखने के लिए मिलता है। ये रहा भाई ओल्ड वेरियंट,
ओल्ड शेप जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें आपको कुछ ऐसी भाई LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है कुछ इस टाइप की। अगर आप इसको परचेज़ करने जाओगे तो भाई ये आपकी कॉस्ट करेगी लगभग लगभग 276,000 या 277,000 रुपए की। बट अगर आप लोगों को TFT स्क्रीन भी चाहिए, ऐसी वाली LEDs भी चाहिए जो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, LED नहीं सॉरी जो DRLs होती हैं ये भी चाहिए आपको 390 इंस्पायर्ड, तो क्या आपको इसके लिए कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे? मात्र 2,000 से 3,000 रुपए मैक्सिमम। ये बाइक आपको 280,000 रुपए में ऑन रोड देखने के लिए मिल जाएगी। तो मतलब KTM ने भाई, मतलब आप कह सकते हो अब तो KTM ने वाला काम कर दिया, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, क्योंकि इन्होंने भाई देखो पैसे भी कोई खास नहीं बढ़ाए, फीचर्स भी सारे दे दिए हैं। और अगर हल्का सा साइड बाई साइड इसको मैं 390 से कंपेयर करता हूँ, तो अगर आप ड्यूक 390 की देखो फ्रंट लुक देखोगे तो कुछ ऐसी लगती है आपको देखने में, ठीक है जी। अब ड्यूक 250 की फ्रंट लुक देखोगे तो ये कुछ ऐसी लगती है। रियलिटी में बता रहा हूँ इन दोनों का तो कलर भी ऑलमोस्ट सेम है, सच कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, बस थोड़े से यहाँ से ग्राफिक्स में डिफरेंस है इसके में और इसके ग्राफिक्स में। आप देखोगे तो आपको हल्का सा डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ये वाइट और ऑरेंज में, ये ऑरेंज और ब्लैक के अंदर है, ठीक है जी। तो मतलब आपको सिर्फ कितने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं? 2,000 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 280,000 रुपये तक आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हाँ भाई इसके ऊपर कुछ स्कीम भी चल रही है, ये जो पुराना लॉट खड़ा हुआ है या फिर आप कह सकते हो कि जो LCD वाली है, इसके अंदर लगभग 5,500 रुपये का जो हेलमेट है इस शोरूम पे आओगे तो यहाँ की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको वो फ्री मिल जाएगा। एग्जोर का हेलमेट है, अच्छी क्वालिटी का, हालांकि KTM के ब्रांडिंग के साथ आएगा, अगर आप वो लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा इंजन वगैरह की बात करी जाए तो इंजन इसके अंदर वही LC4C इंजन है, 250cc की बाइक रहने वाली है, वही 250cc की, और 31 BHP की पावर निकाल के देगी, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन के साथ में। इसके अंदर आप लोगों को स्लीपर और असिस्ट क्लच देखने के लिए मिल जाता है, क्विक शिफ्टर भी मिलता है 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ में, ठीक है जी। इंजन परफॉर्मेंस की बात तो ये रही, उसके अलावा आपको इसके अंदर जो फ्रंट में डिस्क ब्रेक वगैरह वो सारी चीज़ें वैसी एज इट इज देखने के लिए मिलती है। इसमें WP की सस्पेंशन है, ड्यूक 200 के अंदर इन्होंने क्या करा, जो अपडेट करा है तो उसके अंदर पीछे का जो मोनोशॉक है वो WP के बदले हटा के ना अपना दूसरा वाला दे दिया, मेरे को एग्जैक्ट उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, दिमाग से निकल गया वो चीज़, या तो आप लोग बताना उसका सस्पेंशन चेंज करा है। बट इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी, मतलब आप कह सकते हो ना कि KTM ने डाउनग्रेड नहीं करा है, सिर्फ अपग्रेड ही करा है, चाहे वो इसका इंस्ट्रूमेंट गैरेस्ट हो, चाहे वो आप लोगों को इसके अंदर राइडिंग मोड दें या फिर फ्रंट की DRLs वगैरह दिए हो। तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद अगर इतनी चीज़ें KTM ऑफर कर देता है तो मुझे ऐसा लगता है अब आज की डेट में 250cc की इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक कोई नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया NS 400 भी आ जाती है कम पैसों में, बिल्कुल आ जाती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि मतलब एक प्रीमियम बाइक पे जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लेती है वो क्यों लेती है, और एक जो मतलब थोड़ी वैल्यू फॉर मनी बाइक जो सस्ती बाइक होती है वो क्यों होती है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो करेंगे, रेगुलर वीडियोज आएंगे, बीच में थोड़ा तबीयत खराब थी तो इसलिए वीडियो वगैरह मैं डाल नहीं पाया था, ठीक है। तो ये एक रीज़न था जिस वजह से थोड़ा वीडियोज डिले हो रही थी। बाकी ड्यूक 250 मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज की डेट में सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, एंड इतने पैसे के अंदर अगर आप लोगों को 2024 के अंदर ड्यूक 250 लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी गुंजाइश हो, सब कुछ आपको दे दिया है। हाँ, अगर आपको कुछ और आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज लगानी है तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी KTM की तरफ से मुझे नहीं लगता अभी इसके अंदर कुछ ऐसा है जो और अपग्रेड या फिर और एड ऑन करा जा सकता है, ठीक है जी। फिर आज की इस वीडियो को इसी नोट पर एंड कर देते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा लेना। इसका जो ऑल ब्लैक कलर है उसकी वीडियो आप लोगों के लिए ना बाहर खड़ी करके बनाएंगे वहाँ पे रोड पे, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि भाई डे लाइट के अंदर ब्लैक कलर क्या मतलब लिशकारे मारता है, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो का एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, फर्स्ट टाइम विजिट करो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।